चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल एक शाश्वत खेल की तरह है, लेकिन 2021 में यह खेल एक नए रूप में देखने को मिला। कहानी यूं है कि दरोगा बनने के लिए पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में देशों अभ्यर्थी प्रतिदिन फिटनेस दौड़ लंबी ऊंची कूद की प्रैक्टिस करने आते हैं। यहाँ प्रैक्टिस भी एक कोचिंग का शिकार हो गया है, इसलिए सभी 150 अभ्यर्थी के लिए एक इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। इंस्ट्रक्टर के निर्देश पर सभी छात्र अपना मोबाइल पर्स एक जगह प्रतिदिन जमा करते थे ताकि दौड़ में बाधक न बने। बस यही एक गलती हो गई इंस्ट्रक्टर से। कहा जाता है कि चोरी से बचना हो तो कीमती सामान को एक ही जगह रोज रोज न रखें, उसका स्थान परिवर्तित रखना चाहिए। अब कहानी का दूसरा पार्ट, दरोगा बनने चले इन छात्रों को न तो खुद ही ना ही इंस्ट्रक्टर महोदय के द्वारा यह भान हुआ कि चोर भी नित्य प्रैक्टिस करता है। तो चोर की निगाह इंदिरा गांधी स्टेडियम का वो जगह आज आ ही गया जहां छात्रों ने अपना मोबाइल पर्स बेल्ट घड़ी रखा था। बस फिर क्या था, चोर ने 18 मोबाइल सहित सभी सामानों पर हाथ साफ कर दिया और सभी दरोगा अभ्यर्थी हक्के बक्के रह गए। मानो चोर ने कह दिया कि आप दरोगा बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भला हम क्यों पीछे रहे। अब सभी भावी दरोगा ओरिजिनल दरोगा के यहाँ चोरी का गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल केहाट पुलिस उन साथी चोर को पकड़ने के अभियान में जुट गई है। तो चलते चलते सुन लीजिए प्रीत अभ्यर्थियों का दर्द। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। बताइए क्या हुआ आप लोग यहाँ इतना? जैसे हम लोग सब दिन यहाँ प्रैक्टिस करते थे सुबह, सब लड़का जैसे प्रैक्टिस करते थे तो बैग एक था मेरा जो पर्सनल बैग था, उसमें सबका मोबाइल रख के जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ ही पर्स रखता था, पैसा भी लेके आता था लड़का, गाड़ी की चाबी वाबी जो भी है लेके आता था, सब बैग में रख देते थे। बैग में रख के जैसे वहाँ रख के प्रैक्टिस करते थे तो जैसे दूसरा राउंड पूरा हुआ, तीसरा राउंड के लिए जैसे लड़का निकला तो उसके साथ हम भी निकले, और जैसे तीसरा राउंड पूरा करके यहाँ आते हैं तो जब आर्मी वाला लड़का पीटी कर रहा था, वो जैसे खाली हुआ एक लड़का वहाँ गया तो वहाँ बैग ही नहीं था, उसी टाइम हम रुके तीसरा राउंड कंप्लीट करके, तभी से बैग था ही नहीं। कितना लड़का लोग का मोबाइल वहाँ पे था? टोटल उसमें 18 मोबाइल था और पर्स था और किसी का गाड़ी का चाबी भी था, किसी का साइकिल का चाबी था। सब मिला कितना लड़का प्रैक्टिस कर रहे थे आप? प्रैक्टिस तो टोटल 150 लड़का थे, तो उसमें से 18 आदमी का मोबाइल वहाँ पे था, 18 का मोबाइल उस बैग में था। क्योंकि बहुत लड़का ऐसा होता है जो कि मोबाइल लेके नहीं आता है, ग्राउंड आता है तो दौड़ने वाला ड्रेस में आता है, तो बैग में जो मोबाइल रखा बैग सहित गैप हो गया, सहित गैप हो गया, बैग में सब कुछ था सब गैप हो गया, मेरा खुद का पर्सनल चीज भी था वो भी गैप हो गया। ये कितना बजे का घटना घटा है? ये लगभग 7 बजे का प्रैक्टिस चल रहा था, ये 5:30 बजे से। और क्या चीज का ट्रेनिंग चल रहा था? ये लोग हम लोग आर्मी के लिए प्रैक्टिस करते थे, इसके बाद फिर बिहार दरोगा वाला लड़का थे 7:30 बजे से। तो आप लोग अगल बगल पता नहीं किए मतलब कौन लेके गया, उसको किसी को देखे हुए के नहीं? वहाँ जो लड़का मेरे साथ एक था प्रैक्टिस करता था, उस पर सबका संदिग्ध है कि वो आसपास बैग कहीं घूम रहा था। क्या नाम उसका? उसका नाम पता नहीं अभी, वो थाना में पुलिस को सूचना दी है, थाना गए थे हम लोग, आपके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं। तो वहाँ से किसी को पकड़ के ले गए? नहीं नहीं, यही जो वही लड़का जिसपे संदिग्ध था साथ गए, तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर आगे क्या आप लोग कीजिएगा? आगे आप देखते थाना क्या करता है, इसके बाद तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।